नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रावण नीट 2021 के सिलेक्टेड बच्चों में भी टॉपर सिलेक्टेड बच्चे जिनका नीट का रैंक अंडर 3000 है, जेई एडवांस का रैंक अंडर 5000 है, क्योंकि जो 5000 के अंदर जेई एडवांस और 3000 के अंदर नीट के जो मेरे बेटे बेटियां जो मेरे पारिवारिक मेंबर हैं, जो मेरे परिवार सदस्य हैं, वो सब लोग यहाँ इस फंक्शन में हैं। तो सबसे पहले मैं लेके आता हूँ हमारी गुड़िया अंजलि के पास। अंजलि की रैंक है 2970। चलो बेटा माइक पड़े पास दो, और मैं चाहता हूँ कि आप एक मैसेज दें, बच्चे मैसेज दें बच्चों को कि हम इस स्टेज पे आए तो आप भी आ सकते हो, और गार्जियन मैसेज दें गार्जियन को कि आप गलत फैसला चुनाव नहीं करें। कई बार क्या होता है, कुछ लोग भ्रम जाल में आके गलत फैसला चुनाव करके बहुत डिस्टर्ब होते हैं। बात दोस्तों 1,50,000 पैसे की नहीं होती है, आपका बच्चा भी गलत संस्था में जाता है, एक साल खराब होता है, और एक साल बहुत कीमती होता है। जो आज तो बच्चा है और 10 साल बाद डॉक्टर बनेगा, आईटीएन बनेगा या कोई आईएएस बनेगा, तो वहाँ एक साल बहुत कीमती होता है। कोरोना ने हमारा एक साल ही खराब किया, क्यों ना, और एक साल हाहाकार मच गया। देखा जो कोरोना को जिंदगी खराब नहीं किए, एक साल डिस्टर्ब किया हमें, और एक साल लगता है कि जिंदगी बहुत पीछे आ गई। तो सबसे पहले मैं मेरी बेटी अंजलि और आप ओम प्रकाश जी हैं, कहाँ के रहने वाले हो कैमरा देखते हुए, आप अंजलि मेरी गुड़िया हैं, आप तरक्की दादरी के हैं, आपके पिताजी ओम प्रकाश आपके साथ हैं, आपकी मम्मी साथ हैं, वो सिस्टर आपकी हैं वो साथ हैं, आपकी वो आपके दोस्त हैं आपके चाचा हो गए, और एक वो छोटा भाई आपके साथ हैं। इधर मेरे साइड में हंसारंगा गुड़िया है, आपके पिताजी आपके साथ हैं, मम्मी हैं, आपके भाई हैं। हंसारंगा की ओवरऑल रैंक 12th के साथ 832 है, SC में आपका 17वां रैंक है, और मुझे कहते हैं बहुत खुशी हो रही है, लास्ट ईयर 21 रैंक तक SC को एम्स दिल्ली मिला है, आपका एडमिशन दिल्ली में श्योर है। हमारे आपको एक बड़ी खुशी बताऊं साहब, अब तक एम्स दिल्ली में 3 बच्चे गए CLC के, और इस अकेले साल में 4 बच्चे जा रहे हैं एम्स दिल्ली के अंदर। चारू जाएगी, अजय जाएगा, चैन पंचाल जाएगा और हंसारंगा जाएगी। तो जो 25-26 साल हुआ वो कोरोना में एक साल में हो गया। अब मैं सीधा माइक देता हूँ बेटी अंजलि को। बेटा आप माइक को अपने मुंह के पास रखते हुए जिस दिन से आपका एडमिशन हुआ तब से लेकर रिजल्ट तक पूरी बात बताएं, और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं प्लीज, बड़ा बात रखने पड़े। मैंने कितना लेट स्टार्ट किया क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एग्जाम सबमिट किया पर नहीं हुआ, पर फिर भी मैंने पहले लेट स्टार्ट किया, मैंने अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं किया। आप जब भी स्टार्ट करें फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करें और आप कंप्लीट कर सकते हैं। और आप कहाँ रहते थे पहले? मैं मम्मी के साथ 11 में रहती थी, फिर जब अप्रैल में लॉकडाउन लगा तो मैं हॉस्टल में आ गई। हॉस्टल में आ गई। और कोई मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? एक बार मुझे क्लास में एक जब मेरी 606 नंबर आई थी तो एक टीचर ने बोला कि मुबारक हो आपको पेमेंट सीट मिल जाएगी, तो उस टाइम टीचर ने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया। बट एक बात हमेशा ध्यान रखें कि खुद को अंडर एस्टिमेट कभी ना करें, टीचर भी कर देगा बट खुद को ना करें, क्योंकि अगर आप ही खुद की पावर को नहीं समझेंगे तो आप कभी भी सीट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। पापा को फोन दें। आप अंजलि के पिताजी ओम प्रकाश जी, प्लीज आप बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश है और पिछले साल लड़की को 588 नंबर आया था, और इनकम की वजह से इनका एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि किसी को पैसा नहीं मिला, और जिसकी वजह से हमें कोचिंग लाइन ढूंढनी पड़ी। लेकिन रात को मैं डिसीजन करके सोया था कि मैंने कोटा एडमिशन करवाना है, लेकिन कुदरत ने कोई इशारा किया और हम सीएल किया। रियलिटी की बात है, किसी ने कुछ नहीं बताया, ये दिमाग में कुदरती आया कि हमें सीएल जाना, और यहाँ हमें आपके बदले की माहौल मिला, अच्छी सफलता मिली बच्चे को, और मैं खुद यहाँ रात को रह के बहुत आप बोलते हो ये खुद 12 बजे तक यहाँ घूमते, और इस पूरी कोचिंग को जो इंस्टीट्यूट है उनको देखते हैं और बच्चों को देखते हैं उनका सीखने के लिए, और उनका बहुत ही अच्छा अनुभव लगा मुझे, और मैं सभी माता पिता को रिलेटिव जानता हूँ कि रियलिटी में ही यहाँ एक अच्छा काम है, विश्वास है। आपका क्या करते हो प्रकाश जी? मैं जी बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर हूँ। क्या बात, आपका घर कहाँ प्रॉपर? मेरा गांव भरत है और मेरी पोस्टिंग सर की दादी है। थैंक यू सर। तो यहाँ आप कुछ दिन क्या कोठी किराए पे रहे, बाप कौन रहा? चलो तो मम्मी को माइक दो। आप कितने सीकर रहे? मुंह माइक उठा पास। फिर क्या हुआ?
माहौल का तो अपने आप में एक एग्जांपल है कि 15 अप्रैल को जब लॉकडाउन लग रहा है तो पेरेंट्स तो बच्चे को ले जाना चाहते हैं और बच्चा नहीं जाता है, और इससे बड़ी मेरे ऊपर ईश्वर की मेहर क्या हो सकती है कि उस लॉकडाउन के टाइम एक पेरेंट्स मुझ पे विश्वास करते हैं और बच्चे को हॉस्टल छोड़ते हैं, जबकि उस समय भाई भाई के घर नहीं जा रहा था, कैजुअलिटी हो रही थी, दुर्घटनाएं सब जगह हो रही थी, फिर भी जैसा ओम प्रकाश ने कहा एक ईश्वरीय शक्ति साथ है सीएलसी के, हमारे किसी बच्चे को फूल की चोट भी नहीं आई, हमारे किसी के स्वास्थ्य के जुकाम बुखार भी कभी नहीं हुआ। तो ये अंजलि का परिवार था। अब मैं हंसारंगा के पास जाऊंगा। हंसारंगा आप 12th के साथ हैं, आपका एक बहुत अच्छा रैंक आपने बनाया है, आपका स्कोर 681 नंबर है, 832 नंबर है, और अपनी एससी कैटेगरी में आपका 17वां रैंक है, एम्स दिल्ली आपका शोर है, और मैं जिस दिन शायद उच्चारा मंडी लाइव करके आया तो मैं आपकी भी बात की हुई थी। प्लीज बेटा हंसा क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू। अपने पापा को देख बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे बलजीत सिंह जी? आप कहाँ रहते हैं बताइए, घर का एड्रेस पूरा। थैंक यू सर। तो आप हंसा के पापा, आप क्या करते हैं सर? मेरा खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं बीटेक के स्टूडेंट्स को टीच करता हूं। सर सर खुद बीटेक कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र से पास आउट हूं और लगभग 2002 से मैं बीटेक के स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूं। किस जगह? हिसार में। हिसार में अभी सुंदर नगर में है। हिसार रहते हो आप लोग? हां हिसार में रहते। थैंक यू सर। मैडम क्या कहना चाहते हैं? मैडम बाइक पे। मैडम वैसे तीन लेक्चरर हैं और शायद आज सीनियर लेक्चरर भी हो जाए तो मतलब यू है। होगा पक्का होगा, आप बताइए हमारे सब की तरफ से सभी शुभकामनाएं हमारी। बाकी हिसाब ये रहते हैं
का बहुत बहुत धन्यवाद मैंने सपना साकार किया और ये सपना मेरे को ईश्वर का तो धन्यवाद है ही सी एस सी इसमें अगर नहीं आते थे शायद सपना साकार न हो पाता तो मेरे सभी बालकों से और स्टूडेंट से यही हुआ है बाकी जो स्टूडेंट्स अपना आगे तक है जो मेहनत है वो दें और अभिभावक जो हैं पेरेंट्स जो हैं उसकी जितना ही विश्वास करें उतना उम्मीद है। थैंक यू। तो ये हमारे दो गार्जियन रहे हरियाणा से, आप रहते हैं हिसार में, आप रहते हैं चरखीदादरी में और दो बहुत अच्छी बेटियां और एक अच्छी रैंक के साथ आप रही। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हरियाणा का विश्वास हमेशा जीतता सीएससी के साथ। तो इसी के साथ हम आज की बात वार्ता को पूरी करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।